फ्रेंड्स अभी हम लोग प्लूरल डिफ्यूजन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब उसका ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया पहले देखा था कि प्लूरल डिफ्यूजन जो है कुछ अंडरलाइन डिसीजेस की वजह से ही प्लूरल डिफ्यूजन होता है फ्रेंड्स। ठीक है कुछ अंडरलाइन डिसीजेस की वजह से प्लूरल डिफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग समझो उसका अंडरलाइन डिसीजेस का ट्रीटमेंट हमने प्रॉपर तरीके से कर दिया तो जो माइल्ड क्वांटिटी में प्लूरल डिफ्यूजन है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है इसलिए हमें उस अंडरलाइन डिसीजेस का सबसे पहले ट्रीटमेंट करना है, बाद में माइल्ड क्वांटिटी में जो प्लूरल डिफ्यूजन है अपना रिजॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है लेकिन जो फ्रेंड्स जो मॉडरेट टू सीवियर क्वांटिटी में प्लूरल डिफ्यूजन है ना, मॉडरेट टू सीवियर क्वांटिटी में प्लूरल डिफ्यूजन है उसको हमको थेरेपेटिक और थोरैकोसिंथेसिस के प्रोसीजर से ही हमें उसको ड्रेन करना पड़ता है, वो फ्लूइड वहाँ से निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है थेरेपेटिक थोरैकोसिंथेसिस प्रोसीजर से ये फ्लूइड निकालना रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है कुछ हमको अभी इसलिए देख लेते हैं कुछ अंडरलाइन डिसीजेस का ट्रीटमेंट कैसे करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स जो सबसे इसलिए मैनेजमेंट ऑफ कॉमन प्लूरल डिफ्यूजन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ना प्लूरल डिफ्यूजन का, सबसे कॉमनेस्ट कॉज है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है सबसे कॉमनेस्ट कॉज है प्लूरल डिफ्यूजन का ट्यूबरक्लोसिस फ्रेंड्स। ठीक है ये ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन, लेकिन ये प्लूरल डिफ्यूजन कैसा रहता है फ्रेंड्स, यूनिलैटरल टाइप का प्लूरल डिफ्यूजन रहता है फ्रेंड्स। ठीक है ये ट्यूबरक्लोसिस में जनरली ये प्लूरल डिफ्यूजन कैसा रहता है, यूनिलैटरल टाइप ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन रहता है। ठीक है यूनिलैटरल टाइप ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन हम लोगों ने पहले देख सबसे पहले हम लोग यूनिलैटरल प्लूरल डिफ्यूजन देखा तो सबसे पहले हमारी नजर जाने चाहिए ट्यूबरक्लोसिस पे, इनके पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है ना। ठीक है इसको जरा से ट्यूबरक्लोसिस चेक करने के लिए कैसा रहता है फ्लूइड, ये स्टॉप अलर्ट प्लूरल डिफ्यूजन रहता है। ठीक है स्टॉप अलर्ट प्लूरल डिफ्यूजन रहता है मतलब एक्सीडेंट टाइप ऑफ प्लूरल डिफ्यूजन रहता है। ठीक है बाद में सेल काउंट है वहाँ पे लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंस रहता है, लिम्फोसाइट्स ज्यादा रहते हैं। बाद में जो प्लूरल फ्लूइड है ना उसमें प्लूरल फ्लूइड में प्रोटीन जो है ग्रेटर देन 3 ग्राम पर डीएल से ज्यादा रहता है। ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्राम पर डीएल से ज्यादा रहता है मतलब प्रोटीन कंटेंट ज्यादा रहता है वो फ्लूइड में। ठीक है बाद में जो कॉब वेव फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, कॉब वेव फॉर्मेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्पाइडर वेव रहता है ना स्पाइडर वेव टाइप फॉर्मेशन होता है, स्पाइडर वेव टाइप फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। ठीक है स्पाइडर वेव टाइप वहाँ पे फॉर्मेशन होता है ये इसको बोलते हैं कॉब वेव फॉर्मेशन। वहाँ पे जैसे कैसे धीरे धीरे ऐसे कॉब वेव टाइप ऐसे फॉर्मेशन मतलब जाली तैयार होती है फ्रेंड्स। ठीक है जैसे वो स्पाइडर की कैसे नेट जैसे छोड़ते हैं स्पाइडर उसके हिसाब से स्पाइडर वेव टाइप ये फॉर्मेशन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कॉब वेव फॉर्मेशन। ये जनरली ट्यूबरक्लोसिस में दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है इसलिए जो एडीए लेवल है एडमिशन डायमाइनस एडमिशन डायमाइनस जो रहता है फ्रेंड्स लेवल। ठीक है एडमिशन डायमाइनस जो लेवल रहते हैं वो भी हाई रहते हैं मतलब 100 इंटरनेशनल लेवल से ज्यादा लीटर पर लीटर 100 इंटरनेशनल पर लीटर से ज्यादा जो क्वांटिटी में जो एडीए लेवल रहता है तो जनरली ये फ्रेंड्स ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है फ्रेंड्स। ठीक है जो एडीए लेवल वगैरह है वो हम लोग जो डायग्नोस्टिक थोरैकोसिंथेसिस करते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे एडीए लेवल देखा जाता है। एडीए लेवल जो इनकेस 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है तो 100 इंटरनेशनल पर लीटर से ज्यादा है तो जनरली क्या इंडिकेट करता है ट्यूबरक्लोसिस इंडिकेट करता है फ्रेंड्स। ठीक है और अभी उसका ट्रीटमेंट क्या है फ्रेंड्स, अभी ट्यूबरक्लोसिस प्लूरल डिफ्यूजन ट्रीटेड विद एज पर आरएसएस की गाइडलाइन मतलब उसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट देना रहता है। ठीक है इनके हम लोगों ने अच्छे तरह से ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट दे दिया एंड आरएसएस की गाइडलाइन के हिसाब से एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग वगैरह अच्छे तरह से उसको दे दिए तो अपने आप ये इफ्यूजन भी रिजॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है इसलिए हमें अच्छे तरह से ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स जो ट्यूबरक्लोसिस है ना ट्यूबरक्लोसिस डिसीज हम लोग रेस्पिरेटरी की डिसीज है लेकिन हम लोग जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज है ना वो हम लोग आगे चल के इन्फेक्शियस डिसीजेस में कवर करने वाले फ्रेंड्स। ठीक है रेस्पिरेटरी डिसीजेस में उसको अभी हम लोग बहुत इसलिए जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज में आगे लेने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है वहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से उसको ब्रीफ में उसके ट्रीटमेंट पार्ट वगैरह आरएनडीसी के गाइडलाइन के हिसाब से एंटी ट्यूबरक्लोसिस कैसे कैसे लेते हैं उसका डोजेस वगैरह कैसे देना रहता है उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह क्या क्या है वो सब चीज़ें हम लोग उधर इन्फेक्शियस डिसीजेस में देखने वाले फ्रेंड्स। ठीक है इसके लिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना है कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए आरएनडीसी की गाइडलाइन के हिसाब से हमको एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स देने रहते हैं और उससे ट्यूबरक्लोसिस रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है अभी हम लोग देखते हैं कि पैरानिमोनिक इन्फेक्शन फ्रेंड्स जो पैरानिमोनिक इन्फेक्शन वगैरह रहता है इनकेस निमोनिया की वजह से अगर निमोनिया वगैरह हम लोगों ने अच्छी तरह से प्रॉपरली ट्रीट नहीं किए तो जो पहले हमने निमोनिया का देखा था कि कॉम्प्लिकेशन क्या है प्लूरल डिफ्यूजन वगैरह होता है निमोनिया का समझो अच्छी तरह से हमने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये फ्रेंड्स वो आगे जाके इन्फ्यूजन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है इन्फ्यूजन वगैरह हो सकता है इसलिए एक्सरे में क्या होता है फ्रेंड्स कॉन्सोलिडेशन के साथ साथ कुछ प्लूरल डिफ्यूजन भी दिखाई देता है फ्रेंड्स। ठीक है कॉन्सोलिडेशन के साथ साथ प्लूरल डिफ्यूजन भी दिखाई देता है। ठीक है चेस्ट एक्सरे चेस्ट एक्सरे में कॉन्सोलिडेशन फीचर्स अलोंग विद इफ्यूजन के फीचर्स भी दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है यहाँ पे सेल काउंट प्रेडोमिनेंटली न्यूट्रोफिलिक क्योंकि मैक्सिमम टाइप में कैसे
बैक्टीरियल निमोनिया रहता है ना, बैक्टीरियल निमोनिया रहता है, इसलिए मैक्सिमम ही न्यूट्रोफिलिक काउंट्स ये बढ़े रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें क्या ट्रीटमेंट रहते हैं फिर, अप्रोप्रियट एंटीबायोटिक्स देना रहता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अप्रोप्रियट एंटीबायोटिक्स अच्छे तरह से देना रहता है जब तक निमोनिया रिजॉल्व नहीं हो जाता, इसे अपने आप फिर इन्फ्यूजन भी रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। बाद में जो आता है फ्रेंड्स, सबसे मेन जो है मैलिग्नेंट इन्फ्यूजन, जो एक्जिडेटिव एक्जिडेटिव रहता है ना, जो एक्जिडेटिव फ्लूड रहता है वो इन्फ्यूजन में, ठीक है। एक्जिडेटिव फ्लूड क्या रहता है फ्रेंड्स, मैलिग्नेंसी की वजह से रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे साइटोलॉजी टेस्ट करते हैं हम लोग, साइटोलॉजी में कैसे पॉजिटिव रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। साइटोलॉजी टेस्ट में समझो मैलिग्नेंसी के लिए पॉजिटिव साइज पॉजिटिव आता है तो फ्रेंड्स क्या रहता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हम लोगों को कुछ एंटी कैंसर वगैरह ड्रग जो है कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन वगैरह हो गया, या फिर कुछ ऑपरेशनल वगैरह उसको सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन वगैरह करनी है फ्रेंड्स, तो सब वो हायर सेंटर में, इसलिए हमें उस पेशेंट को हायर सेंटर मतलब कैंसर यूनिट में और कैंसर से जो इंस्टीट्यूट वगैरह थे वहाँ पे हमें शिफ्ट करना रहता है फ्रेंड्स फर्दर मैनेजमेंट के लिए। उसमें उसमें फ्रेंड्स कई बार रेडिएशन देना पड़ता है पेशेंट को, कई बार कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और कई बार कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन भी करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। ये हम लोगों ने शब्द डायग्नोस्टिक थेरेपी की आप साइटोलॉजी में समझो मैलिग्नेंसी पॉजिटिव फॉर मैलिग्नेंसी आ गया तो ऐसे पेशेंट को हमें रेफर करना रहता है, ठीक है। बाद में जो सबसे मेन है फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेस, मतलब हार्ट फेल्यूर, न्यूफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, ऐसे केसेस में कैसे ट्रांसजुडेट फ्लूड रहता है ना, ऐसे केसेस में ट्रांसजुडेट फ्लूड रहता है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम अंडरलाइन डिसीजेस को ट्रीट करना रहता है। इनके अंडरलाइन डिसीजेस को हम लोगों ने प्रॉपरली ट्रीट किया तो इफ्यूजन जो माइल्ड क्वांटिटी में इफ्यूजन रहता है वो अपने आप रिजॉल्व होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इनके लार्ज क्वांटिटी में प्लूरल इफ्यूजन है, मतलब मॉडरेट टू सीवियर क्वांटिटी में प्लूरल इफ्यूजन है, तो वहाँ पे हमें थेरापेटिक थेरेपिसिस करके प्रोसीजर करके वहाँ से फ्लूड निकालना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूजन का अच्छे से ट्रीटमेंट करना है फ्रेंड्स, ठीक है।